दीपों का त्यौहार दीपावली कल है, लेकिन बाजार में रौनक पिछले 3-4 दिनों से देखा जा रहा है। बाजार में पूरे तरह गुलजार हो चुके हैं। आम लोगों को काफ़ी उत्साह रहता है दीपावली को लेकर, अच्छी तरह तरह के सामान की खरीदारी होती है, घर को सजाया जाता है। दीपावली में ये सब प्रमुख होते हैं, रंगोली बनाना, दीप जलाना, घर को सजाना, विधिवत पूजा पाठ करना, ये सब दीपावली में होता है। और दीपावली में इसके लिए पहले से तैयारी लोग करते हैं। इसके साथ साथ छोटे दुकानदार को भी काफ़ी उम्मीद दीपावली को लेकर रहती है। और हम अभी पटना के हाई कोर्ट के पास हैं और हाई कोर्ट के सामने काफ़ी वर्ष से यहाँ पर एक मेला सा लगता है और लगभग 250 से 300 छोटे छोटे दुकान यहाँ सजते हैं। ये 3 दिनों का ये दुकान होता है और एक आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक आपको दीपावली में लगने वाले सामान क्या खरीदारी किए कुछ आप देखे हैं खरीदारी क्या, क्या सोच कर आए थे, क्या क्या खरीदना है, कैसा अभी है? तो देखे हैं मार्केट कैसा है, बढ़िया है, सब कलेक्शन है, हर चीज सामान मिल रहा है। हाँ, सब सामान मिल रहा है, अच्छा है। तो सब सामान मिल रहा है और आपको हम दिखाते हैं। ये जो दुकान है सभी टेम्पोररी दुकान है, ये जो दुकान है ये रंगोली सजाने के लिए, रंगोली सजाने में जो कलर लगते हैं, जो जो रंगोली का जो नक्शा होता है वो, ये सभी चीज़ इस दुकान पर मिल रहे हैं। और इसके साथ ही जो घरों को रंग बिरंगे सजाने के लिए झालर है, कई तरह के आइटम जो है वह इस बाजार में देखने को मिल रहा है। और चाहे प्लास्टिक का मोती का माला हो, मतलब कहा जाए तो घर को खूबसूरत करने के लिए जो लोग सामान लेना चाहते हैं तो इस बाज़ार में ज़रूर आते हैं। और एक बार फिर आपको हम दिखा दें, ये जो आप बर्तन देख सकते हैं ये काफ़ी पुरानी परंपरा है। दीपावली में मिट्टी के बर्तन जो खिलौना टाइप का होता है वो, और इसे बिहार में ज़्यादा प्रचलन है कि इसमें लावा फरी जो होता है इसके भरकर पूजा पाठ किया जाता है। हालांकि रंग बिरंगी लाइटों ने दीपक की बिक्री को तो कम कर दिया है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से दीपक की भी बिक्री अच्छी खासी हो रही है और बाज़ार में कम किस ही, लेकिन लोग दीपावली में दीप जरूर खरीदते हैं। कैसा बिक्री है दीप? बाजार का बाजार आता तो बिक के बेच के नहीं चल जाता है। तो देख सकते हैं ये क्या क्या देख रहे हो बाबू आप? झूमर। झूमर, ये क्या ये झूमर क्या होगा, कैसे सजाया जाता है? पूजा रूम में लगाने के लिए, पूजा रूम में, सेंटर में। अच्छा, दीपक का भी उपयोग होता है? हाँ, बहुत इम्पोर्टेंस है दिया का, ये तो शुद्ध माना जाता है ना, तो विदाउट दिया तो दीपावली कुछ नहीं है। तो अब तो लोग शहरों में तो लाइट जलाते हैं, सीरीज बल्ब। अच्छा, वो सीरीज बल्ब बाहर के लिए ठीक है, बट जनरली दिया ही यूज करते हैं घर में। आप लोग रंगोली दिया से उन्हें? हाँ, दिया ही यूज करते हैं। तो देखिए सीरीज बल्ब जरूरी है, लेकिन दीपक जो है शुद्ध होता है। दीपक क्या शुद्ध होता है, दीपक का कितना महत्व है दीपावली में? दीपावली में दीपक का ही तो महत्व है। क्या क्या खरीदे आप? अभी तो ये खरीदे लक्ष्मी जी गणेश जी का कपड़ा है, रंगोली का वो जो होता है वो खरीदे हैं। यहाँ हाईकोर्ट बाजार के पास लगता है, काफी पुराना दुकान है। ये जनरली ये दुकान जो है इसी समय त्यौहार के समय लगता है और काफी लोग पटना से जितने लोग हैं बहुत लोग यहाँ पे आते हैं और खरीदारी करते हैं। 250 दुकानें हैं जी, बिल्कुल, और चीजें एक जगह मिल जाती है, सहूलियत होती है लोगों को। बिल्कुल, क्या नाम हुआ आपका? हरिशंकर। हरिशंकर जी ने बताया कि दीपावली में हर छोटी से छोटी चीज की जरूरत होती है और वो यहाँ पर सभी चीजें मिल जाती है। देखिए ये जो आइटम देख रहे हैं ये पूजा का सामान है, इसमें जब माँ लक्ष्मी की पूजा होती है तो उन्हें चुनरी आसन, इसके साथ साथ ये लौंग इलायची हल्दी मसाला, ये सभी चीज़ों से पूजा होती है और ये सामान भी यहाँ उपलब्ध हो जाते हैं। चाहे भगवान की मूर्ति हो, चाहे उनके वस्त्र हो, माला हो, हर चीज़ यहाँ मिल जाते हैं, चाहे सजाने का हो, चाहे चाहे उनके वस्त्र का सामान हो,
घर को रंगोली बनाने का हो कि घर को सजाने का हो, हर सामान इस बाज़ार में मिल जाते हैं। और लोग यही वजह है कि एक जगह दीपावली के सामान मिलते हैं और यहाँ पहुँचते हैं। अच्छा, कितने दिनों से दुकान लगाए हुए हैं? ये अभी 4 दिन हो गया सर। 4 दिन कैसा बिक्री हुआ? सेल ठीक है। ठीक है, बढ़िया। दीपावली का उत्साह है लोगों में? हाँ है, तो बढ़िया है, बढ़िया उत्साह है। आप क्या बेच रहे हैं? ये गमला है, फ्लावर है। गमला प्लास्टिक का फूल, तो ये देख सकते हैं। और दीपावली का जो मुख्य मकसद होता है, खुशियाँ देना, खुशियाँ बांटना, घर को सजाना, और लोगों में ऐसी मानता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी घरों में आती हैं, घरों को जिस अगर सुंदर रखा जाए, सजाया जाए, तो माँ लक्ष्मी उस घर में प्रवेश करती है। और सब लोगों की यही कामना होती है कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में आए, और उसको इस कारण घर को खूबसूरत बनाने के लिए हर चीज़ों को लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये हाई कोर्ट के पास जो दीपावली बाज़ार सजा हुआ है, यहाँ हर वस्तुएँ मिल रही है। यही वजह है कि लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। परमानंद सिंह, ABP न्यूज़, पटना। Thank you.